हेलो एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मैट्रेस का कवर। ये जो मैंने नया मैट्रेस लिया था ना, उसका कवर बनाना बाकी था। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले एक फैब्रिक लिया था, ये बेड शीट है डबल, पर इसके साथ पिलो कवर नहीं है। ये मैंने एक और मैट्रेस का कवर बनाने के लिए लिया था लेकिन इसका यूज़ नहीं किया था, तो इसी का यूज़ करके मैं मैट्रेस का कवर बना रही हूँ। तो मैट्रेस कवर बनाने का वीडियो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए भी यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है ना, ये डबल फैब्रिक है, तो ये मेरा इस तरीके से मैं रख रही हूँ। ये रॉन्ग साइड है इसके और ये राइट साइड है। अभी कट करने के लिए आप कोई भी साइड यहाँ पर रख सकते हैं। अभी हमें है ना यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने रखा है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ साइड से भी मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। अब यहाँ साइड में देखिए, ये मैट्रेस है तो हमें ये इतना फैब्रिक लेना है यहाँ तक। तो ये मैं इसे पकड़ कर यहाँ पर ये ले लूंगी मेजरमेंट यहाँ से इस तरीके से, और इसे हमें डबल कर देना है। तो ये मैं इस तरीके से फोल्ड करती जाऊंगी। तो ये यहां तक हो रहा है मेरा, तो अब मैं यहां से इसे कट कर दूंगी। अगर आपका फ्रेश फैब्रिक है, न्यू फैब्रिक है, कॉटन का है, तो आप 2 इंच जितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि बाद में ये श्रिंक हो सकता है। लेकिन ये मेरा कॉटन का फैब्रिक नहीं है, मिक्स फैब्रिक है, तो मैं बस 1/2 इंच जितना ही एक्स्ट्रा लेकर यहाँ से सीधा कट कर दूंगी। तो ये हमारी चौड़ाई में इस तरीके से मेजरमेंट हो गया है। अब हम लंबाई में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने कोई भी मेजरमेंट एक्स्ट्रा नहीं रखा है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ लास्ट में भी मैं जैसे कि हमने पहले लिया था वैसे ही हम यहाँ पर भी ये थोड़ा सा जो ये मैट्रेस का मेजरमेंट है उतना हमें लेना है, और इसमें मैं 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसे पकड़ लूँगी, और देखिए समथिंग 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेकर मैं यहाँ पर भी कट लगा दूँगी। अब इसे हम यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है, ये बेल्ट पूरा निकल आया है। अब हमें क्या करना है, वन साइड से तो मेरा पैक है और यहाँ पर ओपन है, तो मैं यहाँ से सीधी सिलाई करके इसे पैक कर लूँगी। अगर आप बेडशीट का यूज़ कर रहे हैं, पुरानी बेडशीट से बना रहे हैं, तो आपको एक बेडशीट लेकर पहले इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है, और उसी के साइज़ से आपको सेकंड बेडशीट कट कर लेनी है। उसके बाद आपको दोनों साइड से इसे पैक कर लेना है। तो यहाँ से सिलाई करने के बाद मैं यहाँ से भी सिलाई कर लूँगी, यहाँ से या ऊपर की साइड कोई भी एक साइड से हमें इसे पैक कर लेना है, और एक साइड से हम ओपन रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से सीधी सिलाई कर ली, पीछे से कर ली, यहाँ पर ओपन छोड़ा है। अब इसके कॉर्नर पर हमें मार्क करना है। तो कॉर्नर के लिए हम इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे। ये जो मैट्रेस है उसके जितनी भी आपकी ये चौड़ाई है, यहाँ बॉर्डर साइड का है, उसका मेज़रमेंट लेना है। तो ये मेरा समथिंग 6 इंच है, तो 6 इंच का 1/2 होगा 3 इंच। तो हमें यहाँ पर 3 इंच पर इस साइड से मार्क करना है। यहीं से हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी स्टिचिंग में जाएगा, और यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब इसी का यूज़ करके हम सेकंड कॉर्नर पर भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से भी कट कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से हम बाकी के 2 कॉर्नर को भी कट कर लेंगे। मैंने 4 कॉर्नर कट कर लिए हैं। अब जो हमारी ओपन साइड थी, वहाँ पर उस हिस्से में हमें जिप अटैच करनी है। तो जो ये ऊपर का हिस्सा हो रहा है, उतनी हमें जिप लेनी है। अब हम यहाँ पर जिप को इस तरीके से अटैच करेंगे। जो इसकी राइट साइड है, वहाँ पर हमें जिप को रॉन्ग रखना है, ये मतलब उल्टी रखेंगे। अब यहाँ से हम सीधी सिलाई कर लेंगे।
उसके बाद इसका सेकंड हिस्सा लेंगे और उसे भी हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जिप को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पर जिप को अटैच कर लिया है। अगर आपके पास जिप नहीं है तो आप है ना क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों साइड पर आपको इतनी थोड़ी थोड़ी गैप पर डोरी अटैच करनी है यहाँ पर आमने सामने, तो आप डोरियों को टक करके ये भी इस कवर को बना सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी गैप पर डोरियाँ होंगी तो आप इजीली उसे नोट लगा देंगे तो भी ये पैक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने जिप अटैच की है ना उसके ऊपर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। ये जो ओपन हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से दबाना है और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिच कर ली है। जब हम सेकंड साइड जिप को अटैच करें तभी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रेस स्टिच भी हो गई है, क्योंकि प्रेस स्टिच करने में अगर क्लोज रहेगी जिप तो इजीली नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर क्या करेंगे, इसे उल्टा ही रखना है। और ये देखिए ये इसका इस तरीके से कॉर्नर है, तो हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है यहाँ से और यहाँ से, और अब हम इसे ऐसे करना है। यहाँ से हम सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड साइड पर भी सिलाई कर लेंगे। ये जिप को हम ये जो हमारा यहाँ पर स्टिच किया हुआ है वहाँ पर रखेंगे जोड़ के पास मिडल में, बस यहाँ से हम सीधी सिलाई करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम ये बाकी के दो कॉर्नर को भी हम इस तरीके से सिलाई करके पैक कर लेंगे। तो ये मैंने चारों कॉर्नर रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से, तो ये मेरा एकदम कंप्लीट आ रहा है। अगर आपका लगता है आपको कि ये थोड़ा सा बड़ा है तो आप यहाँ आगे स्टिच कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है थोड़ा ये कम हो रहा है तो आप यहाँ साइड से स्टिच कर सकते हैं, तो ये इसके बराबर आपकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। तो ये हमारा मैट्रेस कवर रेडी है, मैं इसे आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने मैट्रेस के ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पर ये अच्छे से हमारे कॉर्नर हो गया सेट, और यहाँ पर जिप ये हम ओपन करके इसे निकाल सकते हैं और यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। और ये बाकी के कॉर्नर देखिए एकदम मस्त फिट आ गया है ये। सो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छी फिटिंग के साथ एकदम परफेक्ट हमारा जो मैट्रेस है उसका कवर रेडी हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, ये मेथड इजी लगी होगी, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।